हमको मत छोड़ो यार। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज छुट्टी है, कॉलेज एक भी क्लास नहीं है। तो आज हम लोग का बहुत बड़ा प्लान बना है, बहुत तगड़ा प्लान बना है। होपफुली कि वो सक्सेसफुली एकदम कंप्लीट हो। तो आप लोग को बस आगे देखते जाना, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हाँ, तो चलो शुरू करते हैं एडवेंचरस वाले ब्लॉग को। तो हम लोग फाइनली स्टेशन पे आ चुके हैं, हम चारों दोस्त जिनको जिनको जाना है। अब यहाँ से मेन सफ़र शुरू होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आगे बताएंगे अभी नहीं, ट्रेन में बैठने के बाद। तो हाँ, अभी रेलवे स्टेशन पे आ गए, देखो। तो बस यहाँ से जर्नी शुरू होता है। जनरल कोच में चढ़े हैं, भीड़ तो देख ही रहोगे, नॉर्मल जनरल कोच में तो हमेशा भीड़ भरा ही रहता है। तो अभी ट्रेन में फाइनली चढ़ गए हैं, सारे दोस्त हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो सारे दोस्त चढ़ गए हैं, अब जाते हैं लुधियाना। तो लुधियाना आज बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को ब्लॉग में। तो हाँ, अभी चलते हैं। तो हम लुधियाना स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये देखो भाई भीड़। जनरल स्टेशन जनरल बोगी पे चढ़ने के लिए इतना भीड़ लुधियाना से, वाह देख रहे हो भाई, पूरा भीड़ ही भीड़ है। खैर, अब चलते हैं अपने मेन मकसद के लिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो बस आप लोग देखते रहना। तो अभी हम जिस मार्केट में आए, मतलब आज छुट्टी का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख ही रहोगे। देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, लिटरली अभी गली में चले जाओगे तो और ज़्यादा भीड़ है। तो अभी तो हम शॉपिंग कर लें अच्छे से करके, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई गिम्बल अगर ऐसे करेंगे टूट जाएगा तुरंत ही। तो हाँ, अभी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अभी बहन लोग के लिए कपड़ा ले लिए हैं, एक ये लिए हैं, मतलब आप लोग को भले कैमरा में देखने में उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक सबसे सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी बहन लोग के लिए अभी और लेना है उन लोग को, तो अभी और आगे चलते हैं। तो हाँ, अभी अभी इतना ही लिए हैं अभी। तो हम मेनली बहन लोग के लिए कपड़ा लिए हैं और अपने लिए भी एक शर्ट और एक पैंट लिए हैं। तो वो आप लोग को अब यहाँ से निकलने के बाद आराम से घर चल के दिखाते हैं। और बाकी मेरे दोस्त लोग भी सामान लिए हैं, देखो ये, तो हाँ ये लोग भी लिए हैं। तो हाँ, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, कुछ खाते होते हैं आप लोग को दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। मैंने आज तक एक लॉटरी की दुकान नहीं देखी थी, यहाँ पे आके पहली बार लुधियाना में आके देख रहा हूँ लॉटरी की दुकान। ये देख रहा हूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लॉटरी का दुकान है, यहाँ तक भाई लॉटरी का दुकान, अजीब नहीं लग रहा है ये? तो अभी ताकत के लिए ये ज़रूरी है गन्ने का रस, तो गन्ने का रस पहले पी लेते हैं। यहाँ पे हमको एक चीज़ अच्छा लगा कि कोई भी अगर ऐसे भर्ती हो आईसीयू में है तो तुरंत उसके पीछे एक गाड़ी और एक गाड़ी लग के फटाफट रास्ता क्लियर हो रहा है। देखो आगे से दिख ही रहा होगा, देखो इमरजेंसी है भाई, सारी गाड़ियाँ तुरंत रास्ता दे रही हैं। देखो तुरंत निकली, तुरंत लाइन क्लियर हुआ, वाह अच्छा लगा भाई, ये अच्छा लगा लुधियाना में आके। भाई साहब, हम ये सोचे ही नहीं थे यहाँ, मतलब हम कुछ और सीन सोच के आया था कि मस्त कपड़ा लेंगे, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, खाना वाना मस्त मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ मतलब हुआ, मतलब कैसे आप लोगों को बताएं, मतलब कपड़ा तो ले लिए बट जैसा जैसा मम्मी के लिए सोचे थे मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। प्लस में महंगा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा महंगा था, होलसेल के रेट पर बहुत सस्ता मिल रहा था। तो वो पूरा बंडल कौन उठाने जाए, पूरा बैग 10,000 रुपये का। तो खैर, अभी हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने। वाह भाई कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, ये देखो ये हरा भरा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मस्त अपना ओवर ब्रिज, कितना अच्छा लग रहा है। ओए रुक जाओ भाई, कहाँ मेरे को छोड़ के, इतना भाई हमको मत छोड़ो यार। हम लोग बस इसलिए जा रहे हैं और ट्रेन से इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई है। हाँ, ट्रेन लेट हो गई है और हमारा शरीर एकदम साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा भी नहीं साथ दे रहा है, एकदम नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आप बस से आते हैं, 60 रुपीज़ लेगा वो, लेकिन छोड़ देगा, 50 मिनट का रास्ता है। तो चलो बस पकड़ते हैं फिर। शाम हो गया, शाम से चढ़े थे, रात होने को है, तो यही बस है। हाँ, अब अपने यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, देखो। तो बस अब अंदर जाते हैं और क्या। हम अपने हॉस्टल रूम पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरा शरीर थक गया है, तो अब डायरेक्ट सो जाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे अब रात का।
तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।